पंजाब नेशनल बैंक की अचल स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के बैडमिंटन के एकल वर्ग मुकाबले में मुनीश वेंस व आस्था ने बाजी मारी। पुरुष वर्ग में कपिल ने दूसरा जबकि भगवान दास ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह महिला एकल वर्ग में अभिलाषा ने दूसरा जबकि रितिका ने तीसरा स्थान अर्जित किया। बैडमिंटन के पुरुष युगल मुकाबले में भुवनेश व योगेश ने प्रथम, विनय व विजय ने द्वितीय जबकि कपिल व निशांत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। टेबल टेनिस के पुरुष सिंगल में अमित ने प्रथम, आयुष ने द्वितीय व मनोज ने तृतीय स्थान हासिल किया। इसी तरह डबल मुकाबले में कपिल व राकेश ने प्रथम, अमित व तपन ने द्वितीय जबकि अनीश व प्रशांत ने तृतीय स्थान अर्जित किया। प्रतियोगिता का आगाज पीएनबी शिमला के अचल प्रबंधक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि खेलें व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी अहम भूमिका निभाती है और इससे व्यक्ति में सकारात्मक विचारों का विकास होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि अचल स्तर की इस प्रतियोगिताओं के विजेता अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में शिमला में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर पीएनबी धर्मशाला के मंडल प्रमुख सुनील सोनी, उपमंडल प्रमुख टीसी धीमान, मुख्य प्रबंधक गुरवी इंद्र कुमार, अजय कौल व शिमला अचल के तहत धर्मशाला, शिमला, हमीरपुर, मंडी व जम्मू मंडल के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। ये पिछले दो दिन से हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पर धर्मशाला सर्कल, जो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है, इसके अंदर वेरियस कार्यक्रम हमने किए हैं। कुछ कल हमने 25 करोड़ का ऋण वितरण समारोह भी किया। उसके अलावा कुछ स्वयं सहायता समूह की मेंबर्स को भी हमने क्रेडिट लिंकेज में दिया। कुछ जो गरीब बच्चे हैं उनको बैंक ने अडॉप्ट किया, जिनको हम स्कॉलरशिप देंगे ताकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो। वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, कोई दिहाड़ी लगाता है, किसी के पेरेंट्स नहीं है या माँ बाप इस स्थिति में नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके, ऐसे बच्चे बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। बैंक पंजाब नेशनल बैंक की दो स्कीम्स बड़ी पॉपुलर है, एक पंजाब पीएनबी लाडली करके, जिसके अंतर्गत हम हर साल 10,000 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, और हमने अपने जोन में 4,000 से ऊपर बच्चे अडॉप्ट कर लिए हैं। जिन बच्चे बच्चियां हमारी लाडली के अंतर्गत अपने माँ बाप जो है किसी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण नहीं पढ़ पाते, उनको बैंक अडॉप्ट करता है और 12वीं तक उनका जो है पूरा खर्चा जो है उनका पढ़ाई का उठाता है। साथ में उनका अकाउंट खोल के उस अकाउंट में 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से 600 रुपए एडवांस में डाला जाता है ताकि बच्चियां छोटा मोटा खर्चा भी है वहीं से होता है। इसी तरह गरीब किसान जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास जमीन कम है और जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो किसान बच्चों को पढ़ा नहीं पाते अपनी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण, उन गरीब किसानों के बच्चे भी हम अडॉप्ट करते। सिर्फ एक ही उसमें कंडीशन होती है कि वो किसान बैंक से जुड़ा होना चाहिए और 2 साल तक उसका अकाउंट ठीक होना चाहिए और 8वीं से बच्चे को 50% नंबर होने चाहिए। ऐसे बच्चों को 12वीं तक हम अडॉप्ट करके स्कॉलरशिप और जो है उसको शिक्षा में पूरा सपोर्ट करते ताकि वो आगे बढ़े। इसके अलावा दो दिन से हमारा पालमपुर, बैजनाथ, नगरोटा, बंगवा इन शाखाओं का दौरा भी था जहां स्टाफ मीटिंग की गई। कुछ हमारे जो अकाउंट्स थे जो स्ट्रेस में आ गए थे उन लोगों से भी मुलाकात की गई ताकि कैसे उनके जो है बिजनेस को या जो वो काम करते हैं उस काम में बैंक कैसे सपोर्ट करे ताकि वो जो उनकी परेशानी है उस परेशानी से दूर हो सके, और जो स्टाफ और ब्रांच को कैसे हमने आगे ले जाना है उसके बारे में वेरी चर्चा की गई। अभी पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल 10 में जा गया, जो 3 स्टेप्स आगे है टेक्नोलॉजी जिसमें अडॉप्ट नई वर्जन में की जा रही है। आने वाले टाइम में हमारे ग्राहकों को बहुत फैसिलिटी मिलने जा रही है, उसका भी एक निरीक्षण किया जा रहा था। और आज ये कार्यक्रम जो आप धर्मशाला ऑडिटोरियम में हम कर रहे हैं, ये पूरे हिमाचल जो मेरा जोन है जिसमें पूरा हिमाचल है, पूरा J&K है, उसके अंतर्गत के जो कलाकार हमारे पंजाब नेशनल बैंक के कलाकार है वेरियस सर्कल्स के, हमारे यहाँ 5 सर्कल है, 4 हिमाचल में है, 1 J&K में है। उन सर्कल से कलाकार जो नए नए बच्चे हैं, अपना कोई संगीत में रुचि रखता है या कोई टेबल टेनिस में रखता है, कोई बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी है, कोई कैरम बोर्ड का है, कोई चेस का है, ऐसे कलाकारों को और जो संगीत में गाने के शौकीन है, वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में एक्सपर्ट्स हैं या क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, बैंक उनको भी प्रोत्साहन देता है कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी जो है उसको जो प्रतिभा उनमें छुपी हुई है उस प्रतिभा को बाहर निकालें। उसका आज कंपटीशन हमने रखा हुआ था अक्रॉस दी जो जोन की कंपटीशन, पहले ये सभी सर्कल्स में अपना अपना कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में जो बच्चे सिलेक्ट किए, जो एम्प्लॉई सिलेक्ट किए, आज उनका जोनल लेवल पे कंपटीशन है और इस कंपटीशन में जो लोग सिलेक्ट होंगे वो दिल्ली में
हमारा 10 और 11 को दिल्ली का कंपटीशन जो ऑल इंडिया लेवल का है उसमें इनको भेजा जाएगा ताकि वहां भी वो उस कंपटीशन में भाग करें, और जो इसमें सिलेक्ट होते हैं जो उनको बैंक स्पेशल प्राइजेज और स्पेशल सर्टिफिकेट से जो है इनको एक दिया जाता है। ये बैंक हर साल ये कार्यक्रम करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ये जो संस्कृत कार्य की एक्टिविटी होती है ताकि हमारे एम्प्लॉय खाली बैंकिंग ना करें बल्कि उनकी एक टीम भावना भी में जगे और वो अपनी प्रतिभा को जो है प्रदर्शित कर सकें। तो ये कार्यक्रम पिछले काफी दिनों से चल रहा था और 10-11 को ये कंक्लूड होगा। आज 4 तारीख को हमारे हिमाचल और J&K कार्यक्रम आज कंक्लूड किया जाएगा, इसके बाद ये दिल्ली में कार्यक्रम होगा। तो इन सब एक्टिविटीज के कारण हम जो है आज यहाँ इकट्ठे हैं। थैंक यू सर।